हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है यहाँ पे आइडियल। अपन आज के टॉपिक में अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है आइडियल और क्वेश्चन रिंग के बारे में अपन अगले चैप्टर के अंदर जो अपने टॉपिक्स है इनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि आइडियल क्या होती है। ठीक है, किसी भी जो अपनी रिंग होती है वो आइडियल कब होती है उसको अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन आइडियल की जो डेफिनेशन होती है उसको डिफाइन करेंगे, आइडियल के जो टाइप्स होंगे उनको डिफाइन करेंगे, फिर ये किस किस तरह से अपने यहाँ पे डिफाइन हो सकता है उसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी रिंग का जो आइडियल होने के लिए कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो ज़रूरी हैं, उन शर्तों को भी अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन आइडियल की डेफिनेशन को देखेंगे कि आइडियल क्या होता है, आइडियल किसी रिंग के लिए कैसे डिफाइन हो सकता है, इन सब चीज़ों को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो रिंग होती है वो आइडियल कब होती है उसके लिए अपने पास दो कंडीशंस यहाँ पर डिफाइन होती है, उन कंडीशंस को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आइडियल की अगर डेफिनेशन, आइडियल को हिंदी में बोलते हैं अपन गुंजावली। ठीक है, आइडियल को हिंदी में बोलेंगे गुंजावली। ठीक है, ये गुंजावली होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ये जो है ये वलय के अंदर ही डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो वलय के लिए कौन कौन सी कंडीशन पे ये क्या होगी अपनी गुंजावली होगी उसको देखेंगे। तो यदि कोई रिंग आर है तो आर के लिए गुंजावली आइडियल निम्न प्रकार परिभाषित होती है। इसकी पहली कंडीशन होती है इसको आई से डिनोट करते हैं अपन, आर का कोई यहाँ पे अपन उपसमुच्चय लेंगे, आर की कोई सब रिंग, आर का कोई उपसमुच्चय, आई जो है वो गुंजावली कहलाता है। ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है कि ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई होता है तो अपना ये क्या कहलाता है, पहली कंडीशन ये हो गई। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और आर बिलोंग्स टू आई। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट जो है वो कहाँ से उठाना है, आर से उठाना है, और एक एलिमेंट जो है वो आई से उठाना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या लिख सकें, ए आर जो है वो किस में हो जाए, मेरा आई में हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये गुंजावली की डेफिनेशन के अंदर अपन लिखेंगे आर जो है, यदि कोई, यहाँ पे डेफिनेशन को अपन थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, यदि कोई वलय आर का उपसमुच्चय, यहाँ पे R का एक सबसेट लेना है I, उपसमुच्चय I गुंजावली कहलाता है यदि इसके लिए ये दो कंडीशन क्या हो जाए, अपनी सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन A belongs to I, B belongs to I, तो A माइनस बी भी किस में होना चाहिए, मेरा I में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है इन दोनों में से एक एलिमेंट जो है, ये यहाँ पर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, A जो है वो I का हो
और आर जो है वो कैपिटल आर का हो, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट आई से उठाना और एक एलिमेंट अपने को आर से उठाना है, तो ए आर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर या आर ए, ठीक है। इन दोनों का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना उसको आर ए मतलब लेफ्ट और राइट, ठीक है। यहाँ पे वाम और दक्षिण जो गुंजावली होती है वो इस तरह से अपनी डिफाइन है होती है। अगर लेफ्ट साइड के अंदर है, लेफ्ट जो है वो यहाँ पर बिलोंग करता है आई के अंदर, तो वह यहाँ पे जो है लेफ्ट आइडियल डिफाइन होगी, और अगर राइट वाला यहाँ पे डिफाइन होता है तो यहाँ पे राइट जो है आइडियल डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये अपनी गुंजावली की नॉर्मल डेफिनेशन को अपन ने यहाँ पर देखा है। इसके दो प्रकार भी अपन ने डिस्कस कर लिए। अगर अपना ए आर लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट आइडियल हो जाएगी, और अगर आर ए है तो ये क्या हो जाएगी, राइट ए जो है आइडियल यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ये गुंजावली की अपनी डेफिनेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर अपन इसके गुंजावली के टाइप को देखेंगे। एक तो इसके टाइप हो गए लेफ्ट और राइट, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल को अपन ने यहाँ पे देख लिया। एक इसके और टाइप होते हैं अपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जो अपन है हर सब ग्रुप सब रिंग सब के लिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे गुंजावली के लिए भी क्या होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है वो गुंजावली यहाँ पे डिफाइन होती है। तो प्रॉपर आइडियल क्या होगी और जो है इम्प्रॉपर होगी वो क्या होगी, तो उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। पहले यहाँ पे जो है वो अपन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे इम्प्रॉपर आइडियल। इम्प्रॉपर आइडियल, तो जो इम्प्रॉपर आइडियल होती है वो इस सब रिंग के जो रिंग अपन ने उठाई है उस रिंग के लिए कैसे डिफाइन होगा, अपने R के लिए यहाँ पे अपने यहाँ पे जो I लेके चले हैं वो किसका सबसेट लेके चले हैं, अपन R का सबसेट लेके चले हैं। तो जब अपन रिंग के लिए कोई प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिफाइन करेंगे तो पहले अपन R के लिए देखेंगे कि R के लिए तो एक तो खुद R, एक तो स्वयं है R, ये क्या होगी मेरी इम्प्रॉपर आइडियल होगी। दूसरी जो शून्य अवयव होता है, ठीक है, जो जीरो आइडियल रिंग होती है वो क्या होती है यहाँ पे शून्य गुंजावली, जिसे अपन बोल सकते हैं शून्य गुंजावली जो होगी वो क्या होगी यहाँ पे इम्प्रॉपर जो है आइडियल होगी शून्य गुंजावली, ये क्या होगी मेरी इम्प्रॉपर होगी, ठीक है। तो ये तो होती है अपनी इम्प्रॉपर आइडियल, ठीक है। इम्प्रॉपर आइडियल्स कौन कौन सी होती है, एक तो खुद आर होता है और एक अपना क्या रहता है जीरो यहाँ पर रहता है इम्प्रॉपर आइडियल्स की फॉर्म में। अब जो दूसरा होता है प्रॉपर आइडियल्स, उचित गुंजावली, तो इन दो को छोड़कर जितनी भी अपनी गुंजावली होगी वो क्या होगी, इन दो को छोड़कर अन्य सभी जो आइडियल्स होगी, सभी गुंजावली उचित गुंजावली होगी, प्रॉपर आइडियल्स होगी, ठीक है। तो ये अपने इसके टाइप को यहाँ पर डिस्कस किया है कि आइडियल्स जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो पहला अपन ने इसके टाइप को देख लिया था लेफ्ट और राइट की फॉर्म में कि लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या होती है, और दूसरा अपन ने देखा कि प्रॉपर आइडियल और इम्प्रॉपर आइडियल क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक डेफिनेशन और देखेंगे और वो देखेंगे सिंपल रिंग की, सरल रिंग क्या होती है। एक डेफिनेशन और डिस्कस करेंगे सिंपल रिंग, सरल रिंग, सरल रिंग।
तो सिंपल रिंग किसे बोलेंगे? सिंपल रिंग अपन उसे बोलेंगे जिसका एक भी प्रॉपर जो है आइडियल हो वो मौजूद नहीं हो, मतलब ऐसी रिंग जिसका कोई भी उचित जो है गुणजावली विद्यमान नहीं हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंपल जो रिंग है उसको यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे यदि किसी रिंग वलय R की कोई उचित गुणजावली प्रॉपर आइडियल्स है, उचित गुणजावली विद्यमान नहीं हो तो वलय या रिंग सरल रिंग कहलाती है, सिंपल रिंग कहलाती है। ठीक है, ये अपने सिंपल रिंग की डेफिनेशन होती है। तो अपन ने क्या क्या देखा यहाँ पे, आइडियल्स को देखा कि आइडियल्स किससे डिफाइन होती है, फिर अपन ने लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल को देखा, फिर अपन ने प्रॉपर आइडियल और इम्प्रॉपर आइडियल को देखा, और फिर अपन ने यहाँ पे सिंपल रिंग को देखा। इतनी डेफिनेशन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से अपन इसको समझते हैं कि किसी भी जो रिंग है उसको अपन आइडियल कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। एग्जाम्पल जो है वो होगा अपना समुच्चय एक्स सेट लिया अपन ने, समुच्चय एम एक्स, जहां जो एम है वो किसको बिलोंग, एक्स जो है वो किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जेड यानी पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको बिलोंग कर रहा है, और एम भी क्या है मेरा यहाँ पे एक पूर्णांक ही है। ठीक है, और सिद्ध करना है एम एक पूर्णांक है तो जेड प्लस मल्टीप्लाई क्या होगी के लिए गुणजावली होगी, मतलब ये जो सेट अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है एम एक्स है, ये जो है ये इस रिंग का क्या होना चाहिए, गुणजावली यहाँ पे प्रूफ करनी है, गुणजावली होगी। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे गुणजावली इसको प्रूफ करने है। तो गुणजावली प्रूफ करने के लिए अपने को यहाँ पे एलिमेंट्स उठाने हैं और उनके हेल्प से अपने को जो अपन ने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उन दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो ये लिखते हैं अपन यहाँ पे सॉल्यूशन में, माना इस सेट को मैं क्या मान लूँ, आई मान लेती हूँ एम एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, जहाँ एम क्या है मेरा एक इंटीजर है। ठीक है, अब दो एलिमेंट उठाए मैंने ए और ए, बी बिलोंग्स टू क्या है मेरे एस ए, बिलोंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो जब ए और बी है तो ए को मैं क्या लिखूँगी, सॉरी एस नहीं आई से, ए और बी जो है मैंने आई से दो एलिमेंट उठाए हैं जिसमें ए तो क्या हो जाएगा एम आर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा एम एस हो जाएगा, फॉर ऑल आर एंड एस बिलोंग्स टू जेड, जहाँ ये R और S है ये किसको बिलोंग करेंगे मेरे Z को बिलोंग करेंगे। अब पहली प्रॉपर्टी होती है माइनस की, तो A माइनस बी को दिखाएंगे एम आर माइनस एम एस। ठीक है, तो M कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा R माइनस S, यही बचेगा, और ये R माइनस S जब R और S Z के एलिमेंट है तो R माइनस S भी क्या होगा मेरा Z का एलिमेंट होगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ R and S belongs to Z, then R minus S
ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, और अगर जेड की फॉर्म में आ गया तो ये अमक्स की फॉर्म में आ गया ना, तो ये किसको बिलोंग करेगा, मेरा आई को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा ए माइनस बी होगा वो किसको बिलोंग करेगा, आई को बिलोंग करेगा, पहली कंडीशन ही अपनी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन होती है मल्टीप्लाई की, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। दूसरी कंडीशन में एक एलिमेंट अपन जेड से उठाएंगे और एक एलिमेंट जो है वो अपन आई से उठाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ए और बी बिलोंग्स टू आई है ही, और ए का मान है एम आर और बी की वैल्यू है एम एस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक कोई टी एलिमेंट है जो मैंने कहाँ से उठा लिया, आर से, सॉरी जेड से, अपने को जेड की यहाँ पर गुणजावली प्रूफ करनी है ना, तो अपन जेड से उठाएंगे, तो टी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखना है, ए टी, यानी ए का मैं टी से मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, ए टी, तो ए टी क्या होगा, एम आर, ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पे, एम आर रख दी, एम आर टी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम तो मैंने बाहर ले लिया और आर और टी, ये सहचर्यता तो होती है, जेड जो पूर्णांकों की एक वलय होती है, सहचर्यता यहाँ पर डिफाइन होगी। तो जब यहाँ पे आर और टी जो है, आर भी किसका एलिमेंट है, आर और एस जो होते हैं वो आई के एलिमेंट है, ठीक है, और टी क्या है मेरा यहाँ पे जेड का एलिमेंट है, और जो ये जेड है जो एम एक्स है उसके अंदर जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आर और एस जो है वो आई से नहीं है, ये आर और एस जेड से हैं, तो आर भी जेड से हैं और टी भी जेड से हैं, तो आर टी भी किसको बिलोंग कर जाएगा, जेड से बिलोंग कर जाएगा, आर बिलोंग्स टू जेड है, टी बिलोंग्स टू जेड है, तो मैं लिख सकती हूँ आर टी बिलोंग्स टू जेड, तो आर टी बिलोंग्स टू जेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए टी इजिकल्स टू एम आर टी, ये किसको बिलोंग कर जाएगा, मेरा आई को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि आई में जो एलिमेंट है वो एम एक्स टाइप के है, जहाँ एक्स जो है वो जेड को बिलोंग कर रहा है, तो आर टी मेरा यहाँ पे जेड को बिलोंग कर गया। इसी तरह से अपन जैसे अपन ने ए टी को चेक किया है, वैसे ही अपन टी ए को भी इस तरह से चेक कर सकते हैं, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मैं यहाँ पे टी ए को भी देख लेती हूँ कि टी ए को अपन कैसे चेक करेंगे, ये लेफ्ट वाला था, अभी राइट वाला देख लेते हैं। तो टी ए जो होगा, उसको अपन क्या लिखेंगे, टी ए, ठीक है, टी अपना भार है और ए को एम को मा आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एम को भार ले लेंगे, टी और आर को क्या लिख लेंगे, साथ लिख लेंगे, ठीक है। आर बिलोंग्स टू जेड और टी बिलोंग्स टू जेड, तो टी आर बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे टी ए जो है वो भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, आई का भी एलिमेंट ही हो जाएगा। तो जो दोनों कंडीशन है वो अपनी यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा आई, मैंने यहाँ पे ये जो अपन इस समूचे को आई लेके चले थे, ये समूचे क्या हो जाएगा मेरा, जेड की एक गुणजावली, जेड की एक आइडियल की फॉर्म में डिफाइन होगी। तो ये था अपना आज का वीडियो आइडियल्स के बारे में, गुणजावली क्या होती है, गुणजावली की डेफिनेशन, लेफ्ट राइट जो आइडियल्स होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडियल्स होती है, इन सबको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।